This is the second question. AX plus BY minus A plus B equal to 0. BX minus AY minus A minus B is equal to 0. What is the difference between this question and this question? इसमें देखो आपका the coefficient of x and y are numbers with constant. आपका देखो ना, this is number, this is number, this is numeral, this is digit, 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 numeral, जो भी आप कहें, rational number, rational number, is it clear? But in this question आपका देखो the coefficient of x is a, the coefficient of x is b, the coefficient of y is b, the coefficient of y is minus a, and the constant term of your minus a plus b minus a minus b equal to 0. Such questions in which the coefficient of x, y with constants are not numbers. They are the variables. A, b, it may be a square minus a b plus b square. Means ऐसे equations जिनमें आपका ये numbers नहीं होती हैं, constant भी numbers नहीं होती हैं, इनमें आपका coefficients जो आपके होते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर मतलब नंबर नहीं होती है, व्हाट एवर इज देयर. सबसे पहले ये देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स. गांठ बांध लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स. इज इट क्लियर? ये जो आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टेंट है, विदाउट वेरिएबल विदाउट एक्स विदाउट वाई जो होते हैं ये आपके कॉन्स्टेंट होते हैं, और इक्वल टू जीरो जब होता है तो दिस इज द एनसीईआरटी का पैटर्न है जो सीबीएसई आपका फॉलो करता है या और अदर स्टेट बोर्ड्स फॉलो करते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो देखो अब क्या एग्जैक्टली ये कांस्टेंट अपनी जगह में ठीक है या नहीं है ये भी हमने चेक करना है. अगर कांस्टेंट इज आपका ना जस्ट मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में जब जाएंगे तो क्या होगा, OT on transposition the sign will be changed, sign आपका change होगा. Is that clear? तो देखो सारी चीजें आपको clear आ रही हैं. तो देखो I'm just writing down, जरा आप वहाँ पे देखो मुझे बताएंगे. देखिए जरा please help me. AX plus BY G minus A plus B is equal to zero. Am I right? और बेटे ये BX minus AY minus A minus B is equal to zero. Am I right? बस आपने बस इतनी मेरी मदद करनी क्योंकि उस कोने में लिखा हुआ है. अब देखिए सच शॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इन विच इन प्लेस ऑफ कांस्टेंट ए बी या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर व्हाटएवर इज देयर द नंबर आर नॉट प्रेजेंट विद द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई दीज क्वेश्चंस आर ओनली सॉल्वड बाय द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मीन्स फॉर्मूला मेथड से किया जाता है. पहली चीज क्लियर सुन लीजिएगा. दूसरा दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्वड बाय एलिमिनेटिंग मेथड. एलिमिनेटिंग मेथड से किया जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जाएगा, इक्वेटिंग मेथड से किया जाएगा, सारस डायग्राम से किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया जाएगा. लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करना टेढ़ी खीर हो जाएगा. इट इज वेरी मच टफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ओनली बाय द लास्ट मेथड व्हिच इज नोन एज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. क्योंकि जब आप ऐसे बनाएंगे आपका एक्सरसाइज आप बनाएंगे इसमें आपको नंबर्स की जगह में ए बी सी डी आपका माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी डी माइनस ऐसे करना पड़ेगा. चेक कर लीजिएगा और जब स्कूल खुल जाए तो अपने टीचर को बोलना सर इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करना. आप समझ रहे? अब आपका देखो दिस क्वेश्चन इज ओनली सॉल्व. अब क्या हमारे कॉन्स्टेंट की पोजिशन द पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टेंट इज ओके? देखो एनसीईआरटी का पैटर्न है ये बिल्कुल क्लियर है. एनसीईआरटी कहती है कि द कांस्टेंट मस्ट बी केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल टू जीरो. आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनी राइटर क्योंकि दिल्ली में था मैं तो दिल्ली में आपका क्या नाम कहते हैं ये आपका मंजीत सिंह की किताब हम उस जमाने में चलाते थे. इसलिए व्हेन इट विल बी मूव आपका ना ऑन द राइट हैंड साइड तो ये आपका क्या हो जाएगा प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा. फॉर्मूले में आपका क्या होगा कि जो एनसीईआरटी का फॉर्मूला है बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन जब आप कांस्टेंट को राइट साइड में ले जाएंगे तो जस्ट इट विल बी इन्वर्टेड रिवर्स. फॉर्मर वाला लेटर में आ जाएगा लेटर वाला फॉर्मूले यानी कि बी टू सी वन माइनस बी वन सी टू हो जाएगा. वो तो मैं अभी बताऊंगा. तो पहले तो इसकी पोजिशन को देखो मैं एनसीईआरटी के थ्रू कर रहा हूं. पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करा रहा हूं आपका देखो एलिमिनेटिंग से कल करवाऊंगा कल का मतलब होली
अगर सुबह आए तो ठीक है, क्या पढ़ाई के लिए कोई जरूरी थोड़ा ना है, होली दिवाली लगती है। ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा पहले, माइनस ए माइनस बी, देखो माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस इक्वल टू जीरो। आपने क्या किया, निगेटिव साइन, ये तो निगेटिव साइन था आपका, देखो ये आपने कॉमन लिया, चेक कर लीजिएगा ऑन आपका लेफ्ट हैंड साइड, am I right? Now this bx minus ay, आपका देखो ये माइनस दोनों में कॉमन ले लीजिएगा, इट विल बी चेंज इनटू द प्लस वन, तो माइनस प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, आपका देखो ना इट्स द फोर इक्वेशन। इसमें भी आपने नेगेटिव साइन आपका नाम देखो दिस द कॉमन लिया आपका देखो ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी इक्वेशंस बराबर हो गई है, मींस देखो ना आ कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखो आपका क्या होती है, a1x एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई और प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। विदाउट कंपेयरिंग इफ एनी वन इज राइटिंग डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ ए वन बी वन ए टू बी टू सी वन सी टू, इट मीन्स समवेयर यू आर वायलेटिंग द रूल्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स। याद रखिए आप तोड़ रहे हैं, आप ब्रेक कर रहे हैं, तो आप देखो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड के साथ देखो एक्स एक्स को कंपेयर करिए, देखो ए वन की वैल्यू देखो ए, वाई वाई को कंपेयर करिए बी वन की वैल्यू देखो बी, और सी वन का मतलब कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी आपका साइन के साथ आपका देखो तो ना वाई ए वन इज इक्वल टू देखो फर्स्ट इक्वेशन ए वन इज इक्वल टू ए, देखो बी वन इज इक्वल टू बी और सी वन इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। देन द सेकेंड इक्वेशन विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, अगेन इट इज गोइंग टू बी कंपेयर विद द फोर्थ वन, एक्स एक्स वाई वाई कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, मीन्स देखो ए टू की वैल्यू ए टू इज इक्वल टू बी, देखो ए टू एक्स का देखो ए टू, यहां देखो वाई का कोफिशिएंट आपका बी टू, तो देखो वाई का कोफिशिएंट बी टू, बी टू इज इक्वल टू देखो माइनस ए, और सी टू का मतलब कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, तो देखो ये इक्वल टू माइनस ए प्लस ए। साइन साइंस आर इंपॉर्टेंट, बार बार लिख रहा हूं आपका देखो, और आपका देखो कॉन्स्टेंट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कॉन्स्टेंट आपका देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब हम पूरे नॉर्म्स एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, गॉट इट? अब देखिएगा अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, such sort of questions, such type of questions can be only solved by the formula, easy ho jata hai bas, agar aata hai solve the question by any method, method kuch bhi nahi diya, kaide se jinke coefficient aapka a b hai unke liye cross multiplication ka formula use karna chahiye, baki aapke upar depend hai, aapka dekho ye x is equal to direct applying cross x is equal to b1 c2 minus b2 c1 over a1 b2 minus a2 b1, and again y is equal to c1 a2 minus c2 a1 over a1 b2 minus a2 b1, means somewhere it just give you the convinces to solve these questions because the denominator of x and y both are same, a1 b2 minus a2 b1 a2 b1, clear? Fine. Now the x is equal b1 की वैल्यू b1 b into c2 c2 की वैल्यू minus a plus sin b1 c2 minus ये फॉर्मूले में the value of b2 is देखो minus a into अगर b2 b2 c1 c1 अगर a minus a minus b, इसीलिए curly bracket bod mass जो है ना बदमाश, ये बॉड मास बदमास का यूज किया गया, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सबट्रैक्शन, बात ए वन ए इंटू बी टू देखो माइनस ए, ये देखिए माइनस
फॉर्मूले में. नाउ द वैल्यू ऑफ बी बी इनटू बी ए टू बी ए टू बी एसेट के लिए सर तो देखो एक्स इज इक्वल टू इसको बाहर ले लीजिएगा. देखो माइनस बी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी. माइनस माइनस का देखो प्लस ये तो माइनस माइनस का प्लस होगी और इस फिर को इसको देखो माइनस ले लीजिएगा बाहर. देखो माइनस माइनस का प्लस हो गया देन वन माइनस इज ऑल्सो हियर. ये आपका आगे देखिए आपका और ना इसके साथ देखो आपका ए माइनस ए ए जा माइनस ए और बी बी जा ए ए जा ए स्क्वायर और बी बी जा बी स्क्वायर बी और बी मल्टीप्लाई होकर के ए. ठीक है सर एक्स इज इक्वल माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस देख रहे हैं आप सर माइनस प्लस का. अब ये माइनस आ गया बाहर प्लस माइनस का माइनस आ जाए माइनस माइनस प्लस का माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस का प्लस ए बी. ओके सर थैंक यू. ओके गुड सो नाइस. देखो लाइट टर्म ए बी लाइट टर्म आर कैंसिल विद ईच अदर बिकॉज दे हैव द डिफरेंट साइंस. माइनस ए बी प्लस ए बी के साथ ऐसा ओके ना. एक्स इज इक्वल माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए पहले आता है. अब आप बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखते कोई दिक्कत नहीं. लेकिन देखो मैं तो आपके नीचे सेम क्वांटिटी या आप यहां पे क्या कर सकते इसको कैंसिल करिए या माइनस कॉमन ले लिया. देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बाहर कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. देखो आपका नाम माइनस से माइनस कैंसिल एक्स इज इक्वल टू वन. अभी देखो वाई इज इक्वल टू सी वन देखो माइनस ए माइनस बी ए टू देखो बी ध्यान से कहीं माइनस साइन इज इन फॉर्मूला. सी टू इज वॉट आपका ये माइनस ए प्लस बी आपका देखो और इंटू ए वन इज वॉट दैट इज आपका देखो. आई क्लोज करिए क्योंकि बोथ हैव द सेम आपका नाम देख रहे हैं डिनोमिनेटर आपका ये और ये माइनस देखो बी इंटू बी. क्लियर हो गया सर. नाउ देखो वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस की माइनस देखो माइनस ए माइनस माइनस की प्लस बी बी जा बी स्क्वायर माइनस माइनस की प्लस ए ए जा ए स्क्वायर और माइनस प्लस की माइनस ए बी जा माइनस माइनस की प्लस. चेक कर लीजिएगा सर कहीं माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस. इज इट क्लियर. बी ए जा ए बी और बी बी जा बी स्क्वायर ये माइनस माइनस का देखो प्लस माइनस माइनस का प्लस हो गया. ओ सॉरी माइनस माइनस का प्लस ये देखिए क्लियर हो गया. क्लियर है. साइन तभी मैंने कहा देखो माइनस ए ए जा ए स्क्वायर और बी बी जा बी स्क्वायर देखो ये खल्लास. इज इट क्लियर. सो ना वाई इज इक्वल आपका देखो ना अब आपका क्या आगे बढ़े आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर माइनस कॉमन ले लीजिएगा सर. ना देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस इज माइनस माइनस प्लस इज माइनस एम आर राइट. ए स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल वन जा माइनस वन ऊपर से हो जाएगा. देयर फोर देखिए आपका नाम एक्स इज इक्वल वन वाई इज इक्वल माइनस वन. आई कैन जस्ट सी द क्वेश्चन एक्स इज इक्वल वन वाई. तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ओनली बाय फॉर्मूला मेथड. जाने से पहले एक स्पेशल नोट दे दूं आपको. अगर बाय द वे ये पोजीशन हमारी ऐसे होती देखो आपका ए एक्स प्लस बी वाई इसी को ना देखो ये कांस्टेंट को मैं इधर लेके जा रहा हूं. देखो आपका ए माइनस बी हो गया इधर माइनस ए जब इधर आएगा तो प्लस और प्लस माइनस देखो ए कांस्टेंट या कांस्टेंट आपका बनाओ कॉन्स्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड. अभी आप बिगिनर्स हैं लोड नहीं है आपके ऊपर इसलिए बता रहा हूं. देखो बी एक्स माइनस ए वाई बोथ माइनस ए माइनस बी विच आर कॉन्स्टेंट दे आर गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड सो द साइन विल बी चेंज. देखो कॉन्स्टेंट इज ऑन द राइट. ये मंजीत सिंह सर कहते थे और ये मैं भी कहता हूं आपका देखो ना मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूं. अगर कांस्टेंट आपके राइट साइड में इक्वल टू जीरो है तो इसके मतलब कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में एनसीईआरटी. अगर ये आपका ऐसे एन आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आप सीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका देखो इसमें सर्टेनली चेंज क्या हो जाता है. b
बी टू सी वन आगे आ जाता है माइनस बी वन सी टू, ये आपका पीछे चले जाता है, आगे पीछे हो जाते हैं, और आपका देखो ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन आपका देखो, और y की वैल्यू के लिए इट विल गो आपका फॉर्मर, इट विल कम लेटर, तो आपका देखो सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू, एंड देयर इज नो चेंज इन द डिनोमिनेटर, आइदर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय एनसीईआरटी और मनजीत सिंह सर। मैं अपने बच्चों को पहले इसी को कहता था कि अगर आपका, क्योंकि हम पहले क्या 65-70 बच्चे क्लास में पढ़ाते थे बोर्ड जब तक होता था, मैं कहता था सारे बच्चे अगर इससे कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टेंट को राइट साइड में करो, अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपका स्लाइटली लिख दो कॉन्स्टेंट इज ऑन द राइट हैंड साइड, तो आपका ये इज दैट क्लियर, फाइन प्लीज डू इट।